किसी की दाल। मेरी रचित योग शक्ति की परीक्षा में राजा भोज पहुँचे एक गांव, जहां सक्तेश्वर नामक बलशाली प्रेतात्मा ने मचाया हुआ था हाहाकार। राजा भोज ने जब सक्तेश्वर के मुख सूरज भान नाम सुना तो वो इसके पीछे का रहस्य जानने जा पहुँचे उनके महल। सूरज भान के मंत्री ने उन्हें बताया कि सूरज भान की मृत्यु हो चुकी है। अपने जीवित समय में उन्होंने सक्तेश्वर का सर काट के उसकी हत्या की थी और एक अनुष्ठान कर उसकी आत्मा को एक मटकी में बंद कर दिया था, परंतु सूरज भान की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा मटकी तोड़कर निकल गई। राजा भोज अपनी योग शक्ति द्वारा सूरज भान के शरीर में अपने आप को स्थापित कर अनुष्ठान करवाकर सक्तेश्वर को मटकी में कैद कर देते हैं। और जब राजा भोज विदा लेने लगते हैं तो मंत्री उनको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं उनके जाते ही सक्तेश्वर फिर से मुक्त ना हो जाए। अब देखते हैं आगे। प्रजा की भलाई के लिए आपको यह रुकना होगा महाराज के शरीर में। ये तो आपने मुझे बहुत बड़ी समस्या के भंवर में डाल दिया है। यदि मैं जाता हूं तो सक्तेश्वर फिर से मुक्त हो जाएगा, और यदि मैं रुकता हूं तो मेरा अंत हो जाएगा। कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे किसी का भी अहित ना हो। अब तो एक ही मार्ग है कि सक्तेश्वर की आत्मा को सदा के लिए इस धरती से समाप्त कर दिया जाए। जो वश में नहीं आ रहा वो समाप्त कैसे होगा राजन? संभव है मंत्री जी, पर उसके लिए आपको मुझे उपाय बताना पड़ेगा। कोई ऐसी विधि जिसकी चर्चा महाराज ने कभी आपसे की? राजन, इस विषय पर पुरोहित जी ही कुछ बता पाएंगे। तो शीघ्र बुलवाइए उन्हें। मृत्यु के पश्चात भी इस राजपुरुष के चेहरे पर कितना तेज है। मुझे तो ये कोई युग पुरुष लगता है। ऋषिवर, भोर होने को है, हमें अंतिम यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अवश्य। अरे राजा भोज, कहाँ रह गए? जल्दी आइए, सूर्य उदय होने में केवल कुछ ही पल शेष है। इधर सूर्य उदय हुआ उधर आपका शरीर जलकर राख हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, कुटिया को बाहर से बंद कर देता हूँ, ये ऋषिगण बाहर जा ही नहीं पाएंगे। बेताल, बेताल, मैंने तुम्हें सिंहासन की रक्षा का अधिकार दिया था, किंतु तुम पथ से भटककर ऋषि मुनियों को सताने का प्रयत्न कर रहे हो। स्मरण रहे, यदि तुम पथ से भटके तो तुम पर कष्ट आएंगे। राजा भोज की परीक्षा में उनकी सहायता करने की चेष्टा करने के प्रयत्न पर तुम्हें दंड मिलेगा, जॉब से पूरे एक दिन तक रहेगा। अब क्या किया इन्होंने हैं? मेरी आवाज, ब्रह्मदेव, मेरी आवाज को क्या बना दिया? महाराज, मृत आत्माओं से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, पिंडदान, क्योंकि इससे उन्हें पितृलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। किंतु सक्तेश्वर के विषय में ये विधि उपयोगी नहीं है। क्यों पुरोहित जी? क्योंकि पिंडदान से उस आत्मा की मुक्ति और तृप्ति होती है जिसकी मृत्यु आयु के पूरे होने के बाद होती है, किंतु सक्तेश्वर की मृत्यु अकाल मृत्यु है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को पितृलोक में स्थान प्राप्त नहीं होता। पुरोहित जी, क्या ऐसी आत्माओं की शांति के लिए हमारे शास्त्रों में कोई विधान नहीं है? एक विधि है। क्या है वह विधि, शीघ्र बताइए। यदि कोई योगी पुरुष यज्ञ करके पितरों के देवता आर्य माँ को प्रसन्न कर ले तथा सक्तेश्वर की आत्मा को पितृलोक में स्थान दे दे, वो इस समस्या का हल है, अन्यथा। पुरोहित जी, यदि ये उपाय समस्या का समाधान है तो हम उन्हें अवश्य प्रसन्न करें। आप पिंडदान की तैयारी शुरू कीजिए पुरोहित जी। अब हमें शमशान भूमि के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ओम कल्लवाडलम पित्र संतानम, ओम चतुर्दर्शानम, ओम भू पित्र संतानम, ओम भूआ पित्र संतानम। जल अर्पित कीजिए महाराज। महाराज, पिंडदान हो गया। पुरोहित जी, अब इसके आगे
जिस पितृलोक में पुनर्जन्म से पहले हमारे पूर्वजों की आत्मा वास करती है और अपने वंशज के दान पुण्य से उनकी तृप्ति होती है, उस लोक के मुख्य देवता आर्य माँ के आशीर्वाद की हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि देव आर्य माँ हमारे इस पिंडदान से प्रसन्न हुए हैं? जब कौवे आकर इन पिंडों को ग्रहण करेंगे तब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वे प्रसन्न हुए। कौवे क्यों पुरोहित जी? क्योंकि कौवे पितृ के और उनका पिंड ग्रहण करना पितरों की तृप्ति का प्रतीक है, इसलिए उनका इन पिंडों को ग्रहण करना अनिवार्य है, जो ये प्रमाणित कर देगा कि देव आर्य माँ इस विधान से प्रसन्न है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रोहित जी, इतना समय बीत गया, अभी तक इन पिंडों को ग्रहण करने के लिए पितृरूपी कौवा आया क्यों नहीं? उन्हें बुलाना होगा। रोहित जी, हम कौओं को कैसे बुलाएंगे? हमें उनकी ध्वनि में उन्हें बुलाना होगा। क्या ऐसा करने से वे आ जाएंगे? आशा है। तो ठीक है, काओ 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 काओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राजन, हम आपसे अति प्रसन्न हूं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हे देवारे मां, इस कलश में एक अतृप्त आत्मा है, इसे अपने पितृलोक में स्थान दे ताकि पृथ्वीवासी इसकी यातना का शिकार ना बने। राजन, संसार के कल्याण हेतु हमें इस आत्मा को अपने पितृलोक में स्थान अवश्य दे। होने जा रहा है, अगर राजा भोज का शरीर जल गया तो फिर उनकी आत्मा भटकती रहेगी और आत्मा शरीर से ज्यादा बलवान होती है, और फिर अगर कहीं वो जाकर मेरे मित्र के सिंहासन पर पालती मार कर बैठ गई तो मैं क्या करूँगा? राजा भोज जल्दी आइए, अरे मरने से पहले आ जाइए। अब मुझे आ क्या थे? राजन, ये राज्य सदा आपका आभारी रहेगा। इसमें आभार कैसा मंत्री जी? मैंने तो बस एक राजा का कर्तव्य निभाया है, और प्रजा की रक्षा करना तो एक राजा का परम धर्म होता है। अब मुझे विदा दें। मुझे क्षमा करें, मेरी वजह से आप सभी को कष्ट हुआ, परंतु सच यह है कि वास्तव में मैं मृत नहीं था, बल्कि अपनी योग शक्ति से अपनी आत्मा को अपने शरीर से कुछ देर के लिए अलग किया था। इसी उद्देश्य के लिए
वत्स, मुखमंडल से संदेह तो था, किंतु जीवन का संकेत ना होने के कारण हमने शरीर का अंतिम संस्कार करना उचित समझा। किंतु शुभ ये हुआ कि तुम समय से पहले आ गए। जानता हूं, वरना अनर्थ हो जाता। कैसे हैं राजन? श्रीमान बेताल, भला ये कैसा स्वांग है? मैंने सोचा राजन कि ना तो यहाँ देवी महामाया है और ना ही अन्य पुतलियाँ। आपको उनकी याद सताती होगी, क्योंकि अब तो केवल मैं ही आपकी परीक्षाएं लूंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्त्री की आवाज बनाकर आपका थोड़ा मनोरंजन कर दूं। आपने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। परंतु आपकी पहले की आवाज बेहतर थी। अब इसको कैसे समझाओ कि पूरा एक दिन मेरी आवाज ऐसे ही रहने वाली है? राजन, आप ये बताइए कि श्रीमान बेताल, रुकावट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं योग शक्ति की परीक्षा में सफल हुआ या असफल? आपको क्या लगा राजन कि आपने कद्दू में तीर मार दिया? माफ कीजिएगा राजन, लेकिन मैं आपको सिंहासन की अगली सीढ़ी चढ़ने नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरी परीक्षा में यदि तुम पद से भटके तो तुम पर कष्ट आएंगे। आपकी परीक्षा में सफल तो नहीं हुए, लेकिन क्या करूं, मेरा हृदय बहुत दयालु है, इसलिए चलिए चढ़ जाइए पांचवी सीढ़ी। धन्यवाद श्रीमान पिता, अनेक अनेक धन्यवाद। राजन, आपको क्या लगा कि आप फुर से सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे और सिंहासन की तरफ बढ़ जाएंगे? नहीं राजन, नहीं, मैं हूं बेताल, जो गलने नहीं देगा आपकी दाल। अगर आपको सिंहासन की तरफ बढ़ना है तो पहले आपको परोपकार की परीक्षा देनी पड़ेगी। परोपकार की परीक्षा? परंतु त्याग की परीक्षा तो मैं दे चुका हूं, फिर ये परोपकार की परीक्षा? राजन, या तो आप भोले हैं या भोलेपन का नाटक करते हैं। इतने ज्ञानी बनते हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि त्याग स्वयं के लिए किया जाता है, लेकिन परोपकार केवल दूसरों के लिए ही किया जाता है। दोनों में बड़ा अंतर है, वैसा ही अंतर जैसा मेरे मित्र विक्रमादित्य में और आप में। एक राई और दूसरा पर्वत, एक साधारण पानी और दूसरा शरबत। चलिए, इसी बात पर मैं आपको मेरे मित्र के परोपकार की कथा सुनाता हूँ। अवश्य। तो हुआ यूं राजन कि एक बार रात के समय मेरे मित्र अपने राजमहल में टहल रहे थे। हर घर में प्रकाश फैलाने वाली है बातिया, धन्य है आप, हर घर की खबर रखती है, हम सम्राट होकर भी नहीं रख पाते। ठीक है, ये तो बातिया रो क्यों रही, क्या दुख है इन्हें? इस घर की है ये बातें,
लगता है जिस घर की है उस पर या तो कोई विपत्ति है या फिर कोई विपदा आने वाली है। तुम्हें पता लगाना होगा कि ये रो क्यों रही। क्या हुआ बहन? मेरा दुख ये है कि जिस घर में मैं जलती हूँ कल से उस घर में जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। क्यों बहन? क्योंकि मेरे घर में केवल दो जन हैं, एक अंधी माँ और उनका इकलौता बेटा, बस। दो जन तो है, फिर क्यों रोती हो? क्योंकि कल से दो जन नहीं रहेंगे, कल उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। और बहन मेरा दुख ये है कि मेरे राजा ने बिना कारण जाने उस घर के बेटे को मारने का आदेश दिया है। देवियों। प्रणाम सम्राट। प्रणाम। आप यहाँ हमारे पास? आप ही की बातें सुनकर यहाँ आ रहे हैं। आप हमें बता सकती हैं कि वो युवक कौन है जिसकी मृत्यु होने वाली है और कौन है जो उसे मृत्यु दे रहा है? आप जानकर क्या करेंगे सम्राट? गरीबों पे सदा अमीरों का अत्याचार और अन्याय होता रहा है। कल मरने वाला गरीब अभागा युवक जिसके भाग्य के साथ मेरा भाग्य भी जुड़ा हुआ है, कल उधर वो समाप्त होगा और इधर मैं समाप्त हो जाऊंगी और अपने घर में मैं कभी नहीं जलूंगी। पर मैं तो जलूंगी और रोशनी भी फैलाऊंगी, किंतु उस दुख के साथ कि जिस राज्य में मैं जल रही हूँ उस राजा ने एक निर्दोष की हत्या कर अन्याय किया है। हम वचन देते हैं कि अन्याय नहीं होने देंगे हम। कृपया आप हमें उस युवक का नाम बता दीजिए जिसकी मृत्यु होने वाली है और उस राजा का नाम जो ये अन्याय करने जा रहा है। उस युवक का नाम है नामदेव और वो राजा है भद्रपुर के राजा रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप। देवियों, परंतु हमें यह तो बताए कि क्षमा करें सम्राट, हम इससे अधिक आपको कुछ नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि आगे की विस्तृत जानकारी हमें वारामहिर जी दे सकते। ग्रहों के योग से तो ये कैसी आवाज? माँ माँ माँ, चोट तो नहीं आई माँ? नहीं बेटा, ठीक हूँ। माँ तुमसे कितनी बार बोला पानी चाहिए तो मुझे बुला लिया करो। बेटा हर बात के लिए मैं कहा तुझे बार बार बुला। जब तक मैं जिंदा हूँ सारे काम मैं ही करूंगा, तुम बस आराम करो। क्या बात है वारामहिर जी, आप कुछ कहते कहते रुक गए। जब साक्षात काल हो तो मैं क्या कहूँ सम्राट। इसका मतलब? इसका मतलब उसके ऊपर मृत्यु योग चल रहा है सम्राट, उसका बचना कठिन है। और क्या है उस युवक की कुंडली में वारामहिर जी? वो अभी तक अविवाहित होगा, उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई होगी, उसके साथ उसकी माता होगी जो नेत्रहीन होगी। अब कुछ आराम मिला? हाँ बेटा, चुक चुक जियो मेरे लाल, चुक चुक जियो। बहुत कष्टमय समय है और इसी कष्ट में उस लड़के की मृत्यु हो जाएगी, तत्पश्चात उसकी माता उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसका अर्थ है कि एक ही घर में दो दो मृत्यु, हम ऐसा नहीं होने देंगे वारामहिर जी। अब तो ईश्वर मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दे बस। वो क्या माँ? कि जब मैं प्राण त्याग दूं तो तू मेरे पास रहे। जा माँ, मैं तुझसे बात नहीं करता, हर समय मुझे छोड़ के जाने की बात करती है। अरे बेटा गुस्सा हो गया ना? बेटा आ बैठ मेरे पास, बैठ बैठ। वारामहिर जी हमें ये बताए कि काल के आने की दिशा क्या होगी। सम्राट आप अटल को रोकना चाहते हैं? नहीं,
मृत्यु के रूप में अन्याय और अधर्म को रोकेंगे। आप केवल हमें यह बताएं कि काल के आने की दिशा क्या होगी, हम उसे पहचानेंगे कैसे? सम्राट, काल की दिशा तो दक्षिण है और वो उसी दिशा में वास करता है। रही बात रूप की, तो उसके बारे में कुछ भी कहना कठिन है। बस उसके आने और उसकी उपस्थिति की अनुभूति कर सकता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.